हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 2023 का ये मेरा पहला व्लॉग है। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश कि ये जो नया साल है हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी अच्छी हेल्थ सबके लिए लेके आए, और जो पिछले 2-2.5 साल से कोविड से हम जूझ रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब वापस से धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं हर जगह, तो सिचुएशन थोड़ी सी स्केरी फील हो रही है। सो आई विश कि वो कंट्रोल में हो जाए और बस अब चला ही जाए यार। क्या किया आप लोगों ने न्यू ईयर ईव पे? कैसा जा रहा है आपका नए साल का पहला दिन? कोशिश मैंने बहुत करी थी कि जो मेरा व्लॉग है वो मैं 30th या 31st को पोस्ट कर दूं, बट नाइशी का कुछ हेल्थ ऊपर नीचे रहता है क्योंकि उसको टीडिंग हो रही है, उसको फीवर चल रहा था कुछ दिन से, सो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। सो आई थॉट कि चलो अब जब व्हेन शी इज़ फीलिंग लिटिल बेटर तो मैं अपना व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। सो मेरा जो लास्ट व्लॉग है उसमें आपने देखा होगा मैंने बिरयानी की क्लिप शेयर करी थी, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बहुत जल्दी अपना जो रेसिपी है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अब चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने कभी भी बिरयानी नहीं बनाई है और आपको मेरी तरह बहुत डिफ़िकल्ट साउंड करती है, जब मैं पहले बनाती थी तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत मेहनत के बाद भी ना वो फ्लेवर नहीं आता, तो अगर आप वैसा फील करते हैं तो इस रेसिपी से आप ट्राई करिएगा और 101% रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपको आपके फैमिली मेम्बर तारीफ़ करेंगे कि बहुत मज़े की बनी है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको क्लिप दिखाई थी बिरयानी की रेसिपी की, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस के पॉटलक के लिए रेडी करी थी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर करी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाई थी, एंड आई थिंक घर में उतने ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ कोई नहीं कुछ बनाता है, तो मैं आपके साथ 4 से 6 लोगों की जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये जो रेसिपी है इसे मैंने अक्टूबर एंड में रिकॉर्ड किया था, सो थोड़ी सी क्लिप ये पुरानी लगेगी आपको। नाइशी उसमें थोड़ी सी आपको छोटी छोटी सी दिखेगी, उसके सर पे बाल भी बहुत कम होंगे क्योंकि कुछ वीक्स पहले हमने उसका मुंडन कराया था, तो क्लिप पुरानी है लेकिन रेसिपी एकदम कड़कदार है। खुली दिमाग से निकल गया कि इसे मैंने अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया है, सो अब टाइम है इसे आप लोगों के साथ शेयर करने का। नए साल पे अगर आपके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, पॉटलक है, गेट टुगेदर है, सो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड आई कैन अश्योर यू आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल हैसल फ्री है, इतने ढेर सारे बर्तन भी नहीं निकलेंगे कि आपकी मेड छुट्टी ले ले। चलते हैं फ्लैशबैक में और चेक करते हैं बिरयानी की यमी यमी रेसिपी। लेकिन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं लाइफ की छोटे छोटे निक नैक्स उस पर पोस्ट करती हूँ, सो यू वोंट मिस एनीथिंग। चलते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं बिरयानी की यमी यमी रेसिपी। मैं बना रही थी आज बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। जो ये बिरयानी मैं बना रही हूँ इसे आप इसी रेसिपी से आप मटन बिरयानी बना सकते हैं, वेज बिरयानी बना सकते हैं, सोया बिरयानी भी बन सकती है, बस आपको जो मीट है वो चेंज करना रहेगा। बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद, बहुत बार फेल होने के बाद ठीक ठाक बिरयानी बनाना मैंने सीखा। इतनी अच्छी बना लेती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स तारीफ करके खाते हैं कि अच्छी बनी है, तो सोचा कि इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ। मीशी एक्चुअली कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, स्कूल स्टार्ट हुआ है तो वो कोल्ड एंड कंजेशन उसको हो रखा है, तो पिछले 1-2 दिन से खाना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज मुझे वो खुद ही कह रही थी कि मामा मुझे बिरयानी खाने का मन है। जब से नाइशी हुई है जो भी फूड में ज़्यादा टाइम लगता है मैं वो खाना अवॉइड करती हूँ, जो जल्दी बन जाए वो बनाती हूँ, बट आज उसका मन था तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो बैकग्राउंड में आप ये नॉइज सुन रहे हैं, नाइशी गुस्सा कर रही है, उसे चाहिए कि मैं उसे गोद में लूँ और कुकिंग वगैरह नहीं करूँ, तो अभी उसके साथ मैं खेलूँगी। और मैंने कुछ तैयारी करके रखी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
एक और चीज जो बिरयानी है, मैं उसके लिए ये मसाला यूज करती हूँ, शान का सिंधी बिरयानी मसाला। इसका बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी दो वेरिएंट और आते हैं, बट ये वाला जो सिंधी बिरयानी है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि आपको इस मसाले के अलावा अपने किचन से कोई दूसरा मसाला नहीं डालना है, तो ये अच्छा है। अदरवाइज आप 56 तरीके के मसाले भी अपने किचन से डालेंगे ना, तो बिरयानी का वो फ्लेवर नहीं आता है। तो मैं इसीलिए जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं शान का ही मसाला यूज़ करती हूँ। इसके बाकी स्पाइसेस भी बहुत अच्छे हैं, और मैं ये कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही इस ब्रांड का, मुझे जेन्युइनली इसके मसाले अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिरयानी रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन जो मैंने करी है, मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी, तो मैं आपको फटाफट से पहले वो दिखाती हूँ। सो ये कुछ प्री प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, जिसमें मैंने लिया था एक बड़ा साइज का अनियन, और इसे फाइनली स्लाइस किया है मैंने। जितना फाइनली आप इसे स्लाइस करेंगे, बारीक स्लाइस करेंगे, उतना अच्छा है। वन पैकेट हमें चाहिए होगा सिंधी बिरयानी का मसाला, तो वो एक पैकेट मैंने ले लिया है। और चिकन लिया है मैंने बोनलेस, 750 ग्राम क्वांटिटी में है ये, आप विथ बोन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने 2 आवर्स पहले मैरिनेट किया था। 2 स्पून कर्ड, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल, और 1 स्पून इसी सिंधी बिरयानी मसाले के पैकेट से मैंने 1 स्पून डाला था और मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था, और 1/2 आवर पहले इसे बाहर निकाल लिया है। ये है बिरयानी राइस, जिसे हम सेला राइस भी बोलते हैं। इसे मैंने 2 आवर्स पहले सोक कर दिया था। इट टेक्स टाइम, तो इसे मिनिमम 1 आवर पहले आपको सोक करना होता है कुकिंग प्रोसेस से। सो ये सारा कुछ मैंने तैयारी करके रखी है। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो जो अनियन मैंने काट के रखा है उसमें से 1/2 क्वांटिटी मैं पहले फ्राई करूँगी, क्योंकि जो बिरयानी के ऊपर फ्राइड अनियन डलता है उसके लिए। सो इसे बराबर आपको घुमाते जाना है, सो दैट ये इवनली आपका ब्राउन हो। अगर आप तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे तब तो बहुत अच्छे से होगा, बट मैं तेल कम यूज़ कर रही हूँ कुकिंग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्राई हो गया है। जब आपको लगे कि इट्स ऑलमोस्ट डन, आप इसे निकाल लें, क्योंकि बाद में रखने से भी ये थोड़े ब्राउन होते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये कड़वे लगने लगें, और ये बहुत क्रिस्पी भी हो गए हैं। मुझे मेरी बिरयानी में आलू बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक आलू लिया है जिसके मैंने 4 स्लाइस कर लिए हैं। एक्चुअली एक बार मेरे पास चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो मैंने तब आलू यूज़ किया था, और उसके बाद से मुझे अपनी बिरयानी में आलू बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पर्पसली आलू यूज़ करती हूँ। सो जो फ्राइड अनियन है उसे निकालने के बाद बचा हुआ अनियन एक तरफ मैं ब्राउन कर रही हूँ, और एक तरफ पोटैटो को हल्का सा ब्राउन होने तक बस उतना रखेंगे, और उसके बाद निकाल लेंगे। इसे पूरी तरीके से गलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन हुआ आप निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टोमेटो मीडियम साइज़ का। अगर आपके पास बड़ा टोमेटो है तो एक भी काफ़ी है। इसे भी मैंने स्लाइस कर दिया है। अब आलू को निकालने के बाद जो बचा हुआ अनियन है वो हल्का सा जब ब्राउन होने लग जाए तब आप मैरिनेटेड चिकन डाल दीजिए पैन में, और इसको अब आपको हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। अगर आप फ्लेम को कम कर देंगे तो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा, और फिर हमें इसे कुक करने में बहुत टाइम लगेगा, और क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो अगर ज़्यादा देर कुक होगा तो ये चुई लगने लगेगा। सो इसीलिए आपको बहुत क्विकली से इसका जो पानी है वो इवेपोरेट करना है, तो फ्लेम आपने कम नहीं करनी है। और अभी मैंने इसमें टोमेटो भी ऐड कर दिया है। सो जब आपको लगे कि चिकन हल्का हल्का सा वाइट होने लग गया है, उस पॉइंट पे आप जो बिरयानी का मसाला है जिसमें से हमने 1 स्पून मैरिनेशन के लिए यूज़ किया है, वो बचा हुआ मसाला इस पॉइंट पे हम पूरा डाल देंगे। इस मसाले के पैकेट में कुछ ड्राई प्लम होते हैं, जो अभी तो आपको बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन जब वो कुक हो जाएंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो आपको वो भी डाल देना है। मसाला डालने के बाद आपको करनी है इस चिकन की थोड़ी और भुनाई, और बस भूनते जाना है तब तक पानी बिल्कुल नहीं सूख जाए और जो चिकन का ऑयल है वो हल्का हल्का सा रिलीज़ नहीं हो जाए। अच्छा, मैंने स्टील का पैन लिया, ये मेरा हैवी बॉटम है, तो मैं अगर फ्लेम तेज़ भी करूँगी तो ये नीचे से लगेगा नहीं। सो आपको मेक श्योर करना है कि चिकन नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, जो चिकन का मसाला है, नहीं तो फिर वो अजीब सी स्मेल आने लगती है।
इस चिकन को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट थोड़ा सा नमक और मिर्ची इस समय ये ज़्यादा आपको लगेगी, क्योंकि मैं इस चिकन में से कुछ पीसेस निकाल के मीशी को दूंगी, तो इसीलिए मैं इस पॉइंट पे धनिया और पुदीना नहीं डाल रही हूँ। बट आपको अगर पसंद है तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना दोनों ही इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो फ्लेवर और भी अच्छा लगेगा आपको। तो बस चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ, लेकिन आलू अभी तक हमने नहीं डाला है, क्योंकि आलू हम सबसे लास्ट में डालेंगे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो खुल जाता है, ओवर कुक हो जाता है, इसीलिए उसे हम एकदम आखिरी में डालेंगे जब चिकन बस हो ही जाए। तो यहाँ पे मेरा चिकन हो गया है रेडी, मीशी को मैंने चिकन दे दिया है, उसके बाद मैंने धनिया और पुदीना डाला है और इसी पॉइंट पे मैं आलू डाल दूँगी। बस 2 मिनट गैस पे मैं इसे घुमाऊँगी और बस इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी। इतना आपको इसे गीला रखना है, नहीं तो फिर एकदम ड्राई चिकन होगा तो नीचे से लग जाएगा। सो ये धनिया और पुदीना है जो मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है, मैं इसे बाद में लेयर जब हम लगाएंगे तब यूज़ करेंगे। जब चिकन बन गया है तो मैंने जो चावल है वो भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, नमक, ऑयल और साथ साथ मैं इसमें डालूँगी एक सीक्रेट चीज़ वो सीक्रेट चीज़ है ये केवड़ा वाटर, और नॉट वाटर, ये एसेंस है और बिरयानी एसेंस। सो इसकी 2 से 3 बूंदें आपको दोनों की डालनी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। राइस को हमने 70% तक बॉईल करना है और उसे फिर स्ट्रेन करके रखना है स्ट्रेनर के ऊपर, और ये पैन में अब हम करेंगे लेयरिंग, तो वो करते हैं क्विकली। बिरयानी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राइस। अगर राइस आपका सही क्वालिटी का है तो उसके जो चावल है वो हमेशा ही खिले खिले बनेंगे। कभी ऐसा होता है कि मशी हो गए, या कभी ऐसा होता है कि थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, वो सारी जो इश्यूज़ होते हैं ना वो नहीं आएंगे अगर आप सही क्वालिटी का राइस ले रहे हैं। मैं हमेशा पहले जो बासमती राइस होता था उसका बनाती थी, मेरी एक फ्रेंड थी उनसे मैंने ये बिरयानी बनाना सीखा था, उसने मुझे बताया कि बिरयानी के लिए राइस ही अलग क्वालिटी का आता है, तो जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है ना वो उसी राइस की बनती है, तो गलने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा ही खिले खिले राइस बनेंगे। फ्राइड राइस हो गया या पुलाव हो गया, वो सारा कुछ उसी राइस से ही बनता है रेस्टोरेंट्स में। तो मैंने जो राइस यूज़ किया है वो बिरयानी स्पेशल राइस है, पूरी बन जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा खिला खिला राइस बन रहा है, और रखने से तो वो और भी ज़्यादा बिल्कुल अलग अलग दाना होता है ना, वो वैसे हो जाता है। सो मैंने इस बड़े से पैन को ले लिया है, इसी में मैं बिरयानी को दम दूंगी। इसमें मैंने फैला लिया है पूरा चिकन, अच्छी सी लेयर लगा ली है, ऑलमोस्ट 70% चिकन यूज़ हो गया है फर्स्ट लेयर में, और उसके ऊपर मैंने लगाई है राइस की एक लेयर। इसे भी इवनली हमें स्प्रेड करना है और फिर ऊपर से डालना है धनिया पुदीना और फ्राइड अनियन। अगर आपको धनिया इतना पसंद नहीं है तो आप बीच पे मत डालिए, टॉप पे आप लास्ट में डाल दीजिएगा। सो ये सारा कुछ करने के बाद मैंने डाला है इसमें ऑयल, क्योंकि मैंने राइस को बॉईल करते समय ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। सो अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और उसके बाद हम जो सारा प्रोसेस है वो फिर से रिपीट करेंगे, जो चिकन बचा हुआ है उसको फिर से डालेंगे और फिर डालेंगे उसके ऊपर बचा हुआ सारा राइस। राइस डालने के बाद फिर से जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास धनिया पुदीना और फ्राइड अनियन है वो सारा का सारा इस समय हम डाल देंगे। जब भी मैं अपने घर के लिए बिरयानी बनाती हूँ तब मैं फूड कलर अवॉइड करती हूँ, अगर कोई गेस्ट आ रहा है या फिर जैसे मैंने पॉटलक के लिए बनाई थी तो देखने में अच्छा लगता है, तब मैं फूड कलर का जो है इस्तेमाल करती हूँ। सो मैंने आज फूड कलर नहीं यूज़ किया है, और इसमें स्टीम के लिए होल है तो उसे कवर करने के लिए मैंने सिल्वर फॉइल को रोल करके डाल दिया है, सो दैट जो स्टीम है वो एस्केप नहीं हो जाए, और 10 से 15 मिनट से हम बिल्कुल सिम पे रख देंगे। सबसे मज़े की बात ये होती है कि बिरयानी आप 2 टाइम की बना लो और जब नेक्स्ट टाइम आप खाओगे तो वो ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। फ्रिज में आप रख दो अगर ओवरनाइट, नेक्स्ट डे बहुत मज़े का स्वाद देती है, और अच्छी बात ये है कि रोटी बनाने का झंझट नहीं है, बस आप रायता बनाओ और इन्जॉय करो लंच में या डिनर में। तो मेरे घर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कभी कभी मीशी को थोड़ी स्पाइसी लगती है क्योंकि सारा मेजरमेंट जो है वो दिया रहता है,
अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर रहे हैं राइस की या चिकन की, तो थोड़ा जो है स्पाइसी कभी कभी स्पाइसी साइड हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो क्वांटिटी दी रहती मैं उसी के हिसाब से बनाती हूँ। फिर एकदम नमक भी बराबर पड़ता है और मिर्ची भी, तो इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और फिर दो दिन तक इन्जॉय करिए। तो बिरयानी को जितनी देर मैंने दम पे रखा था क्विकली से, उतनी देर में मैंने रायता रेडी कर दिया है। दो तरीके का रायता है यहाँ पे, दर्शन के लिए मैंने बनाया है प्लेन रायता और मिशी, और अपने लिए मैंने बनाया है कुकम्बर रायता, क्योंकि मिशी को कुकम्बर रायता पसंद है और दर्शन को कुकम्बर रायता बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने इसलिए दो तरीके का बनाया है। बिरयानी को बने हुए कुछ हो गए हैं 30-40 मिनट्स, मैंने पहले ही गैस ऑफ कर दिया था, लेकिन तुरंत राइस को मैं नहीं घुमाना चाह रही थी, अदरवाइज़ वो टूटने लग जाते हैं। सो उतनी देर चावल को मैंने रेस्ट होने दिया, और आई एम नॉट श्योर आप अगर ठीक से देख पा रहे हों, कैमरा का क्वालिटी उतना जस्टिस कर रहा है या नहीं, बट एक एक दाना बहुत खिला खिला बना है। आई विश स्क्रीन के थ्रू मैं आपको टेस्ट करा पाती, आप इसका अरोमा फील कर पाते। मेरे पूरे घर में बिरयानी की इतनी अच्छी खुशबू फैल गई है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। बिरयानी का इतना डेडली कॉम्बिनेशन है, केवल रायते के साथ ही नहीं, इस मूवी के साथ ये आ रही है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और ये देखो, ये बेचारे मजदूर की तरह सुबह से काम कर रहे हैं, होश ही नहीं है कि बिरयानी बनी है, मूवी आ रही है, काम काम काम। सो ये सर्व हो गया है हमारा डिनर, आप बताइएगा कैसी लग रही है देखने में, आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एक एक दाना यहाँ पे खिला खिला दिख रहा है ना, इतनी मज़े की बनी है कि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मुझे फिर से मन कर रहा है बनाने का और खाने का। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब बनी है, वैसी वाली बनी है कि पेट भर जाए लेकिन मन नहीं भरे। और बाहर भी हमने बहुत बिरयानी खाई है, बट हमारी घर की बिरयानी अभी बाहर कोई भी रेस्टोरेंट के मुकाबले और अच्छी बनती है। थैंक यू फॉर द फीडबैक, थैंक यू। और ये हमारी मिशी कैसे बनी बेटा? That's the best thing I've ever tasted. Is it spicy for you? No, pehle chicken was spicy but now it's not. Okay, enjoy your food. इस वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया बहुत परेशान हो रही है, इसे आ रही है नींद, तो सुलाने के बाद मैं करूँगी बिरयानी इंजॉय। दर्शन और मिशी अभी खा रहे हैं, और मैंने अपना सर्व किया था प्लेट में बट मुझे लगता नहीं कि ये खाने देगी, तो सुलाने के बाद ही मैं खाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।